वो बड़े उछल रहे थे, लेकिन मैच के बाद कहने कि उनकी ऐसी सिटी गुम हुई कि अब उनकी आवाज तक नहीं निकल रही। मोर बोले ये पंगुड़ी थारी। जाहिर सी बात है, आवाज निकले भी तो कैसे निकले इतनी बुरी शिकस्त के बाद। इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। भारत ने पाकिस्तान शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मेरी गुजारिश है कि जो इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर काला धब्बा मला है, ये मिटेगा नहीं कभी भी। तो रहे तो फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे छोटे छोटे लोग, अब निकल गई हवा, पंक्चर हो गया इनका। वापिस आ जाना चाहिए, इधर आप बुलाए, इधर बरकत मार्केट में इनकी रेडी है, स्टॉल लगवाते हैं, इनसे काम करवाते हैं। भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। भैया एक प्लेट में कितनी पूरी आती है? 6 पूरी। ठीक है यार, प्रैक्टिस नाम की लोगों में कुछ चीज नहीं है, लाना दे यार तुम लोगों के ऊपर। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ तो भाई लोगों, आज पाकिस्तान की हार पर पहली बार आपका किटू भाई सनग्लासेस लगाकर वीडियो बनाएगा। तो सारे बोलो यो किटू भाई। यो किटू भाई। और मैं बोलता हूँ क्यों बे बोर क्यों, सूजी है सूजी। जी है क्या सूजी? सूजी है सूजी। हलवा पकाओ। ये चुल्लू है और ये पानी है। अब चुल्लू भर पानी में क्या करना है टीम को, वो समझ गया? समझ गया। पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है भाई। इनसे सफाई कराई जाए और वेटरी करवाए इनसे, इनको पता चले कि मेहनत किसे कहते हैं। अब कीनिया और शायद जिम्बाब्वे भी इससे बेहतर क्रिकेट खेलते हो जैसे हमने क्रिकेट खेली है। हलवा पकाओ। पाकिस्तान आओगे ना, इस्तकबाल आपका हम करेंगे फिर अच्छे वाले। अच्छा। हाँ जी। अंडों टमाटरों के साथ नहीं, छितरों के साथ भाई। अच्छा। इनकी टसी निकाल दी है मार मार के, घंटे बाबर आजम को और जोली में बिठाओ और बोलो ये हमारा किंग है, मैं थूकता भी हूँ इस कुत्ते के पुत्र के ऊपर। वैसे किसी भाई ने बोला था किट्टू तू लड़का है, पंचायत वाली घिया देना पाकिस्तानियों को। घिया तो नहीं है, करेला है टीम, करेला देना। अबे करेला मांगा था, ये खीरा क्यों दे दिया? तो ये है पाकिस्तानियों के लिए मेरी तरफ से। तो सारे बोलो यो किट्टू भाई। घिया नहीं थी भाई, मैं घिया खानी छोड़ रखी है काफी दिन से, खीरा टूट रहा है हमारा। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये जूते आपा कर। जब भी इंडिया के सामने वैसे मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया को हरा देंगे, पिचका देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे, हमारा ये जवान तैयार, वो जवान तैयार, जब इंडिया के सामने जाते भीगी बिल्ली बन जाते हैं हमारे प्लेयर्स। तो जारी बात है, कुछ दबाव था इनके, तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। लिटरली रोना आने वाला हुआ था। एक होता है हारना, लेकिन एक होता है बेइज्जत हो गया। ये कल हम ना बड़ा बेइज्जत हो गया है कि सारी टीम को ना नहर पे खड़ा करके ना चूड़ियां पहना के छितर मारे जाए। में मैच खेलते हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। हमारे पास ना कोई सीनियर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर लाइनअप थी, आप ऑल ओवर से साथ खेल रहे थे। लानत है यार, सीधी बात है, लानत है। दुश्मन को हमारी खुशी फिर खटकने लगी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तानियों याद रखना, बाप बाप होता है। भारत तुम्हारा बाप था, है और रहेगा। ये किंग है हमारा, ना इसको कप्तानी करनी आती है, ना इसको बड़े मैच में परफॉर्म करना आता है, ना इसको ये पता है कि मैंने कब कौन सा बॉलर लगाना है। ये किंग है, ये कप्तान बनाया हुआ आपने, ये घंटा जो आता है इसको बजा कर चला जाता है, ये टिपिकली घंटा है। ये टीम है, 10 दिन पहले आप लोग बातें कर रहे थे हम इंडिया को बीट करेंगे, इतने ये वो निकर्स पहन लेंगे और ये प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की हद तक होता है। जब परफॉर्मेंस करने में ग्राउंड में इनकी बारी आती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनसे बैटिंग वगैरह या बॉलिंग नहीं होती। कान ही लाल हुए, कोई बात तो इनसे निकली नहीं। हारते रहे लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है, लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। आपके ख्याल में शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन है?
देखो अली, क्रिकेट हुई नहीं है ये क्रिकेट मैंने तो अपनी जिंदगी में पाकिस्तान को जिस जज्बे से हुई है यार, ये यूएसए पहली दफा गए हैं। हाँ। मतलब कोई कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, प्रैक्टिस नाम की इन लोगों में कोई चीज नहीं है। लानत है यार तुम लोगों के ऊपर, भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई घोड़ों का खेल खेलने जा रहा है, कोई होटल में जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है। यार ये टीम जो है ना वो लेके गए, प्रैक्टिस इनकी है नहीं, इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रहे थे और ऊपर से बाबर आजम कह रहे हैं कि इंग्लैंड की प्रैक्टिस का हमें फायदा नहीं है। जक मारने गए फिर तुम लोग उधर, यार क्या करने गए? 70-70 लाख इनकी सैलरीज है, हम लोग यार खून पसीने से पाकिस्तानी अवाम हम लोग की सैलरीज इनको दे रहे हैं ना अपने टैक्सेस के ऊपर, और इतनी गरीब अवाम है यार, कर्ज ले लेके बच्चा पैदा होता है 3 साल का उसके ऊपर कर्जा होता है। और हम क्या हाल जो बुरा हुआ है, ये माहौल अच्छा नहीं है टीम का, पाकिस्तान के लगी नहीं रही, पाकिस्तान की वो जज्बे वाली टीम खेल रही है जो वर्ल्ड कप में हमेशा खेलती है। इस तरह से जिस तरह से अभी ये पूरे 3-4 सीरीज से मेरी अपनी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना तजर्बा है मेरा, ये प्लेयर पावर वाली कहानी है और वो उसकी वजह से टीम का माहौल ख़राब हुआ है। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना बॉलिंग हो रही हो, ना बॉलिंग हो रही हो, ना बैटिंग हो रही हो, एक ग्रुप खुश नज़र आ रहा हो, एक ग्रुप जान मार रहा हो, ये क्रिकेट नहीं हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के नाम के साथ खेला गया है। और किंटू भाई को यार मजा आ रहा है क्योंकि अपने को तो एक ही चीज से सुकून मिलता है और वो क्या है, पाकिस्तान की हार। बातों के ऊपर क्रिकेट डिपेंड नहीं होती, परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ती है। ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस ये करते हैं ना तो सिर्फ कैमरे में आने में लिए तस्वीरें इनके शूट हो गए या इनकी वीडियो बन के सिर्फ ये तब तक दिखाते हैं कि हमने क्रिकेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, इतने इतने ये वो निकर्स पहन लेंगे और ये प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की हद तक होता है। जब परफॉर्मेंस करने में ग्राउंड में इनकी बारी आती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनसे बैटिंग वगैरह या बॉलिंग नहीं होती। हम खान को खिला लें या किसी को भी खिला लें, आप इमाद वसीम भी खेल लें, मगर एक एक टीम लड़ते हुए नजर आनी चाहिए। यहां देखें, यहां टीम में मसले हैं, ग्रुपिंग है और एक ग्रुप चाह रही है कि ये बोट फेल हो जाए या बाबर आजम फेल हो जाए या उनको जीतने नहीं दें, मगर मैं ये नहीं मानता, ये पाकिस्तान की टीम है, मैं नहीं मानता पाकिस्तान के लड़कों को। पाकिस्तान के लड़कों को मैं जानता हूं और पाकिस्तान लड़कों के जज्बे से जानता हूं, पाकिस्तान के साथ मैं खुद भी खेला हूं, क्या फीलिंग्स होती हैं। मार्क्सन बॉलिंग की बात करें हम, बैटिंग तो बिल्कुल फ्लॉप है हमारी, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, एंड पे आके शाहीन अफरीदी जैसे प्लेयर 2-3 छक्के मारते हैं तो ऊपर वाले जोन से मेन बैट्समैन है रिजवान हो गया, इफ्तिखार हो गया, शदाब हो गया, इन प्लेयरों को थोड़ी सी शर्म लाजमी आनी चाहिए क्योंकि शाहीन अफरीदी को आप देखें अगर वो बॉलिंग अपनी जगह पे 4 ओवर करता है ना T20 में तो वो बैटिंग में भी 20-25-18 स्कोर करता है और ये बहुत ज्यादा एफर्ट, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एंड में लास्ट पे आके जब टीम आपकी 120-130 बुक हो रही है, 20-30 स्कोर करके 150 तक 150 तक स्कोर पहुंचाना बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर बाबर आजम, मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये कह देता बाबर आजम कप्तान नहीं बनता या चेयरमैन से कह देता मैं कप्तान नहीं बनूंगा या किसी और को कप्तान, तो यही टीम फाइनल की टीम थी। आप इससे पहले भी उठा के देख लें, 2 टूर्नामेंट बाबर आजम ने T20 के बड़े खेले, एक में सेमीफाइनल में पहुंचा, एक में फाइनल में पहुंचा, बाबर आजम ही था ना, यही लड़के थे ना। अब अमेरिका से हार रहा है, वो टूटा है वहां से ग्रुप से, और वो दूसरा वाला ग्रुप अभी, ये गेम क्रिकेट नहीं है, मैं बता दूं ये मसले पीसीबी के। और पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।